आई थिंक बारिश आने के आसार हैं। बादल देखो बिल्कुल काले बादल भरे हुए हैं, बिल्कुल देखो आज बरसेगा, ज़रूर बरसेगा। टाइम हो रहा है सुबह के बज रहे हैं 7:30 बज रहे हैं और कुछ इस तरीके का मौसम हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, स्टेयर्स पे चढ़ के दिखाती हूँ। दीव मेरी सो रही है, ये देखो ये देखो। बादल लिटरली चल रहे हैं। चले ना जाए कहीं, डर लग रहा है मुझे क्योंकि बढ़ रहे हैं उस तरफ, राइट साइड पे जा रहे हैं सारे। खाली ना हो जाए यहाँ पे बादल। हेलो, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना। सो गाइस, आज है 8 जुलाई और दिन है आज मंडे। मंडे का दिन है, टाइम हो रहा है दोपहर के, बज रहे हैं 2। धूप इतनी तेज है, बादल दिखाए थे ना मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, बादल बहुत घने बादल थे, बहुत घने बादल थे। 7:30 का टाइम हो रहा था, घने घने बादल हो रहे थे। 8:30 तक जम के बरसा है, 1 घंटा जम के बारिश हुई है, बट उसके बाद जो गर्मी हुई है ना, सच में इतनी गंदी वाली गर्मी, इससे अच्छा तो ना ही बरसता तो ठीक रहता, आके बरस के फिर गंदा वाला माहौल हो गया। और सुबह से वाईफाई नहीं चल रहा है, सुबह से नहीं चल रहा है, जब मैं 5 बजे उठी थी तब से नहीं चल रहा है और अब 2 बज गए हैं। ना लाइव आ पाई हूँ ना ही व्लॉग अपलोड कर पाई हूँ अभी तक। आगे देखते हैं क्या होता है। 2 बार फ़ोन कर चुकी हूँ उसको, सामने वाले भैया भी फ़ोन कर चुके हैं उसको, उनके यहाँ भी वाईफाई लग रहा है। 4G यहाँ पर इतना सपोर्ट नहीं करता क्योंकि टावर नहीं लग रहे यहाँ पर, टावर यहाँ पर लग नहीं रहे हैं। कॉलिंग बड़ी मुश्किल से होती है, कैंट एरिया है, कैंट एरिया में टावर लगाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, परमिशन लेनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये थोड़ा ना आर्मी रिलेटेड एरिया है, तो आर्मी वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लीक ना हो जाए, इस वजह से यहाँ पे एज अ सिक्योरिटी टावर नहीं लगा। वो वरना तो अच्छा खासा एरिया है, बहुत ही एडवांस एरिया है। और ये मेरी दीव, हेलो करो दीव। हेलो दीव, शादी में कैसी लग रही थी सब लोग बताना जरूर कमेंट करके। हाँ, पार्टी में गई थी ना दीव, पार्टी में दीव गई थी, दीव को डांस करना था डीजे पे, लेकिन वो कर नहीं रही थी, जा रही थी कर नहीं रही थी, ऐसे करना था वहाँ पे तो कर नहीं रहा था मेरा बच्चा। दीव ना थोड़ी देर बाद चली गई थी अपने नानू के साथ और नानी के साथ, मामा के संग नानी के घर पे। तो जब मैं रात को 12 बजे वापिस आई ना, सब लोग जो मेरे घर के आसपास के उनके संग ही वापिस आना था यार, अकेले तो नहीं आती मैं। जब वो लोग फ्री हुए मैं उनके संग वापिस आई, तो मैं से लेती हुई आ गई बिल्कुल घर के आ गई। शादी थी जहाँ मेरी हुई थी ना, वहाँ पे शादी। और थोड़ी सी मैंने जो शूट की है क्लिप वगैरह आप लोगों के लिए शूट करी, आप लोग देखना ज़रूर और मुझे बताना आप लोगों को कैसी लगी। थोड़ी बहुत राखी से करवाई थी मैंने, राखी से जैसी हुई वैसे कर दी उसने। और हम लोगों कितना मिडिल क्लास लोग हैं, तो बताना आप लोग कैसी लगी आप लोगों को उनकी शादी। बहुत मुश्किल होती है एक लड़की की शादी करना, और फिर लड़की चली जाती है, लेकिन उसके बाद लड़की भी चली जाती है इतनी मुश्किलों के बाद। लेकिन ये होता यही है, देखो एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है, लड़कियां को उनका अपना घर बसाना ही पड़ता है। इमोशनल मोमेंट मुझको इतना फील कभी नहीं हुआ था, अब फील होता जब ये नहीं है, इतना फील मुझे कभी नहीं हुआ था अलग होने के बाद घर से, क्योंकि घर बिल्कुल पास में ही है मेरा, मैं जाती रहती थी तब भी, रोज़ जाती थी तब खुशी खुशी जाती थी, अब मजबूरी में जाती हूँ। है ना बाबू, है ना बाबू। और आज खाने में सुबेरे उपमा बनाया था मैंने, और उपमा की रेसिपी मैंने इसलिए शेयर नहीं करी, वो MTR का 3 मिनट्स वाला बनाया था,
पानी डाला था, बस उसमें ऐड ऑन पानी कर दो और 3 मिनट ढक के रख दो। बहुत टेस्टी होना था, सच में यम्मी था। मैंने एक पैकेट लिया था ट्राई करने के लिए और मैं ज़रूर लेकर आऊँगी और पैकेट, बहुत अच्छा लगा मुझको। दीयू ने भी वही खाया था और दीयू ने क्या अभी अभी दूध पिया है, सो के उठे हम दोनों। बड़ी नींद आ रही थी आज, ज़बरदस्त वाली नींद आ रही थी क्योंकि देर से सोए थे, फिर सुबह जल्दी उठ गए थे। अच्छी वाली नींद आ रही थी आज। तो बस ये था मेरा आज का थोड़ा बहुत गंदा वाला अपडेट ही है यार, बोरिंग है ना। और YT पे चल तो बहुत कुछ रहा है लेकिन अब नहीं, मन नहीं है यार कुछ भी करने का। सच में बहुत गंदे लोग हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं, नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं तो, नहीं कर सकती गंदे लोगों की गंदी बातें, है ना। तो गंदे लोगों के मुंह नहीं लगना, इग्नोर करना, यही है बेस्ट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हम। बहुत गन मचा रखा है, यू नो कहते हैं ना कि बड़े लोग और बड़े कारनामे बड़े कांड, वही हो रखे हैं। बड़े बड़े लोग इतनी बड़ी सोच लेके चलते हैं ना। तो चलिए गाइस, आप शादी की वीडियो एंजॉय करना और मुझको बताना, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ यार। अब ये थोड़ा है एक मन के हो गए तो उससे आगे बढ़ना ही नहीं है, बढ़ना है यार, ठीक है। तो एंजॉय करना, मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय, टेक केयर।